थाना कायथा अंतर्गत ग्राम नलेश्री से मैजिक वाहन में चावल मिलने का मामला सामने आया है। चावल को जब्त कर खाद्य विभाग को सौंपा गया है, वहीं जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार नलेश्री में रात्रि गश्त के दौरान मैजिक वाहन में चावल मिलने पर वाहन को थाने ले जाकर खाद्य विभाग को सूचना दी गई और टीम ने चावल जब्त किया। बताया जा रहा है कि 4 क्विंटल 38 किलो चावल जब्त किया गया है, जो शासकीय वेयर हाउस में पहुँचाया है तथा वाहन को पुलिस ने भी रक्षा में लिया है। लेकिन प्रशासनिक अमले के रुचि नहीं लेने से गल्ला दुकानों में चावल की खरीद फरोख्त जोरों पर है। कायथा थाना द्वारा चावल का ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें 4 क्विंटल चावल मिले हैं। कल जो है कायथा थाने की टीम गश्त पे थी और पुलिस को देखकर वो अचानक भागने लगा, तो उस पर संदेह हुआ, तुरंत तो उसको पकड़ा गया मौके पे और जब पूछताछ की गई तो जो उसमें 4 क्विंटल चावल पकड़ा गया है। पूछताछ चल रही है जी। और पूरे जो प्रकरण है उसको खाद्य विभाग को सौंप दिया गया है। खाद्य अधिकारी अभी थाने पर मौजूद है और पूरी जो है कार्रवाई चल रही है। थाना कायथा अंतर्गत ग्राम नलेश्री से मैजिक वाहन में चावल मिलने का मामला सामने आया है। चावल को जब्त कर खाद्य विभाग को सौंपा गया है, वहीं जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार नलेश्री में रात्रि गश्त के दौरान मैजिक वाहन में चावल मिलने पर वाहन को थाने ले जाकर खाद्य विभाग को सूचना दी गई और टीम ने चावल जब्त किया। बताया जा रहा है कि 4 क्विंटल 38 किलो चावल जब्त किया गया है, जो शासकीय वेयर हाउस में पहुंचाया है तथा वाहन को पुलिस ने भी रक्षा में लिया है। लेकिन प्रशासनिक अमले के रुचि नहीं लेने से गल्ला दुकानों में चावल की खरीद फरोख्त जोरों पर है। कायथा थाना द्वारा चावल का ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें 4 क्विंटल चावल मिले हैं। कल जो है कायथा थाने की टीम गश्त पे थी और पुलिस को देखकर वो अचानक भागने लगा, तो उस पर संदेह हुआ, तुरंत उसको पकड़ा गया मौके पे और जब पूछताछ की गई तो जो उसमें 4 क्विंटल चावल पकड़ा गया है। पूछताछ चल रही है जी। और पूरे जो प्रकरण है उसको खाद्य विभाग को सौंप दिया गया है। खाद्य अधिकारी अभी थाने पर मौजूद है और पूरी जो है कार्रवाई चल रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन की तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।